उसके साथ भांग की चटनी मम्मी से है, और बना रही हूँ मैं शेफ पूनम शर्मा भट्ट, क्योंकि मैं बच्चों भांग जैक बड़ी मस्त बनी चटनी इसमें डालेंगे। आदत अभी तक नहीं गई, ये हम लोग बचपन में से देखते आए चाचा को। चाचा जिस दिन हमारे यहाँ भट्ट का चुड़कानी बनता है चाचा, उस दिन डेफिनेटली ना ये भूटे हुए भट्ट निकाल के लाते हैं, इसमें नमक डाल देगा। ऐसी खुली हवा को छोड़ के, इतने अच्छे मौसम को छोड़ के कहीं जाने का, देखो पेड़ कितने। दूध पी के सीधे सो जाऊंगी, वैसे मैंने जा रही घूमने, देखती हूँ फिर। तो अभी मैं मम्मी और चाची के साथ थोड़ा घूम के आ जाती हूँ, फिर सो जाऊंगी। चलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रीस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ, आलस से भरी हुई। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, नए दिन की नई शुरुआत, खूब सारी मतलब आलस को दूर करके, थकान को हटा के स्टार्ट करते हैं। तो आज का दिन जो है नई सुबह की नई शुरुआत, ठीक है। आज ना हमारे यहाँ बने ब्रेड पकौड़ा, इसीलिए ब्रेड पकौड़े उसके साथ भांग की चटनी मम्मी से है, और बना रही हूँ मैं शेफ पूनम शर्मा भट्ट, क्योंकि मैं भट्ट हूँ, मेरे सर ने मेरा भट्ट हो चुका है। ये मैंने बैटर बना लिया, क्योंकि बड़ा मतलब बड़े बाउल में बनाया ना, और ब्रेड इसमें जो है अच्छे से वो हो जाएंगे। और यहाँ पे कट करके मैंने सारे ब्रेड रख लिए हैं, थोड़े मैंने इस शेप में कटे हैं, थोड़े मैंने ट्राइंगल, थोड़े रेक्टेंगल ऐसे करके कट किए हुए हैं। और यहाँ पे हो रहा है तेल गरम, साथ ही साथ मम्मी मुझे यहाँ पर से ये देखो भट्ट, ये है ना भांग की थैली, ये इसमें से भांग की थैली। और साथ ही साथ मम्मी कर रही है अपनी बड़ी बेटी को कॉल, ये देखो, बट बड़ी बेटी अभी उठा नहीं रही है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इनको बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बने। हाँ ये भांग है, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। भांग है, हाँ ये देखिए, ये है होती है भांग, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छो भांग जैक बड़ी मस्त बनी चटनी, इसमें डालेंगे अदरक, हाँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया भी दे दो, और सब कर लो, मैं बना लूंगी। तो अभी 10:30 बजे मैं नहारा धोना करके, सबसे पहले मैंने किया था नाश्ता करने के बाद 10:30 बजे में मुझे चीटी काट रही क्या, 10:30 बज रहा है अभी, मैं नहा धो के आई हूँ। नाश्ता मैंने पहले कर लिया था, और अभी नहारा धोना कंप्लीट करके आई हूँ मैं, एकदम फ्रेश हो गई हूँ। गर्मी तो है ही, नहीं कह सकते कि नहीं है, बट मुझे रुद्रपुर से ना यहाँ गर्मी थोड़ा कम लग रही है, और शायद यहाँ है भी। तो मम्मी पापा गए हुए हैं बाजार, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक को अपने आपको दिखाना था, उनको दर्द हो रही है हाथों में पैरों में, तो मम्मी वहाँ गए हैं। फिर पापा और मम्मी का काम भी है, वो इसलिए भाई भी अपने काम पे गया हुआ है। मैं और अम्मा घर पे हैं, चाची लोगों के यहाँ, देखते भी जाऊँगी। तो क्योंकि मैं ना सुबह से ऐसे ही बैठी थी नाश्ता करके, फिर मैं ऐसे ही लेट गई, फिर मैं वाले रूम में बैठ गई, फिर मैंने रूम को ठीक ठाक करना शुरू कर दिया, फिर मुझे और तो कुछ ताकत थी नहीं। तो अभी मैं नहाना धोना करके थोड़ा सा फ्रेश होके नहाकर अभी जस्ट आई हूँ, आप देख सकते हो मैं अभी रेडी हुई हूँ सुबह से, और बिल्कुल ही ऐसी बनी हुई थी ना, मतलब ताकत ही नहीं आई है। पता नहीं मायके जा आके ऐसा क्या ही हो गया कि मुझे किसी भी चीज़ की ना ऐसी हिम्मत ही नहीं है, मैं ये करूँ या फिर मैं ऐसे करूँ कुछ काम करके। मन कर रहा सिर्फ सो जाऊँ, फिर सो रही हूँ तो ना बेड में लेटी वो चीज़ उतनी मुझे प्रॉपर तरीके से नींद भी नहीं आ रही है। तो गाइस अभी मैं आई हूँ, फिर मैं देखती हूँ आपको थोड़ी देर में अपनी, फिर मैं अपडेट देती हूँ कि और मैं क्या क्या कर रही हूँ। अभी मैं आई हूँ चाची के वहाँ, चाची कह रही, पता है मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी, मैं कह रही थी कि वो दादा भाभी तो गए हुए हैं वहाँ बाजार, तो पूनम अकेले क्या कर रही। मैंने कहा मैं नहाने धोने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो चाचा मुझे पूछ रहे थे चाय पिएगी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी हो रही है, ऐसे मन तो कर रहा ना पर फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चाचा वहाँ गए हैं अभी किचन पर, खाना पीना बनाने की तैयारी करी, चाची भी लेके आ गई है दाल, हाँ ना ना, और क्या बोलते हैं, चाची लेके आ रही, तो क्या बोलते हैं फिर गाइस, अभी चाची यहाँ पे लेके प्याज लहसुन वगैरह सब ला गई, जिनके खाने की तैयारी हो चुकी है। शहरों में इस टाइम पे होता है नाश्ता, और यहाँ गाँव में तो हमारे यहाँ इस टाइम पे दिन के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। टाइम हो चुका है 11:05, 12 बजे तक सारा खाना बन जाएगा, और खाते खाते 12:30 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक खा पी के आराम करेंगे, ताकि शाम को जल्दी उठें फिर शाम का काम। आदत अभी तक नहीं गई, ये हम लोग बचपन में से देखते आए चाचा को। चाचा जिस दिन हमारे यहाँ भट्ट का चुड़कानी बनता है चाचा, उस दिन डेफिनेटली ना ये भूटे हुए भट्ट निकाल के लाते हैं, इसमें नमक डाल के प्याज का तड़का लगा के, और इन्हें हम लोग बचपन में इतने निकालते, ज़्यादा नहीं निकालते,
ले चाचा मुझे भी दो, चाचा मुझे भी दे करके खाते थे, और आज चाचा मेरे लिए स्पेशली निकाले हैं, बहुत टेस्टी लगता है। भट्ट को खाली फ्राई करो, और उसमें प्याज का, प्याज को भी देखो अगर दिख रहा नहीं प्याज देखो, और नून डाल के इसमें, नून मतलब नमक डाल के खाओ, बहुत टेस्टी लगते है। मैं भी खा रही हूँ, आप भी इंजॉय करो। दिन के खाने का टाइम हो चुका है हमारे, वहाँ तो जल्दी खा लेते हैं हम लोग, वहाँ तो दिन पे खाते थे। तो सबसे पहले पता है मैं क्या खाने वाली हूँ, मैं आपको एक चीज़ स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ जो मेरी प्यारी सी गुल्लू ने बनाए थे, राखी हैम्पर जो मैं स्पेशली भैयों के लिए बनवा कर लाई थी। तो उसमें जो ये ड्राई केक आया था, ये चॉको केक, तो मैं इसे खाने वाली हूँ। उसके बाद देखो मुझे चाचा का कॉल आ रहा है, चाचा ये कहने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे, डेफिनेटली आ जा खाना खाएगी, डेफिनेटली मुझे पता है वहाँ खाना बन चुका है। और क्योंकि मम्मी पापा भैया यहाँ है नहीं, आमा और मैं ही हैं, तो अब वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आजा खाना खाई, कॉल आ रहा है मेरा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेती हूँ, बिना प्रूफ है। करने वाली हूँ ना आटा और हरी सब्जी है, हरी सब्जी और आटे से रोटियाँ बना के, रोटी और हरी सब्जी खाएंगे मैं और अम्मा, बस हो गया। और पापा से मैंने मंगाई है चाउमीन, टाइम है चाउमीन का, और इन्जॉय करते हैं मैंने और भैया ने, मैं और भैया खा रहे हैं और कोई नहीं। गुड इवनिंग, तो फिर से आपका स्वागत है पूनम ग्रीस व्लॉग्स में। जैसे कि पता है आपको शाम का टाइम हो चुका है, सब लोग अपने काम धंधे में जा रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ ना गर्मी भी हो रही है, बट यहाँ की गर्मी अच्छी है बिकॉज यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ हवाएं चल रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हवा, तो बहुत मजा आ रहा है। मैं भी पता है 17 मिनट मैंने अभी करी वॉक, और अभी मैं फिर से बाहर को आ गई, मैं अंदर गई कुछ काम करने के लिए, मैं फिर से बाहर को आ गई, मेरा कोई काम धाम नहीं रहा बाहर। अब देखो बाहर, अब पीछे पेड़ देखो, पेड़ कितने हिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ कितनी हवा चल रही है। अब सोचो जरा, तो किसको मन करेगा ऐसी खुली हवा को छोड़ के, इतने अच्छे मौसम को छोड़ के कहीं जाने का। देखो पेड़ कितने हिल रहे हैं, इतने अच्छा मौसम हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर बाहर रहती हूँ, फिर मैं अंदर जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है 2-3 दिन का प्यार है मेरे पापा मम्मी को, फिर कि फिर मैंने कहना है मैं कुछ नहीं कर रही। आज भी मैंने पापा मम्मी को बोला कि सब्जी मैं बनाऊँगी, तो मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ, जिसमें पता है मैं गावा भी डाल रही थी, बट गावा को काटने, मैंने गावा मतलब पिनालू के, अरबी के पत्ते, उसकी सब्जी बना रही थी। उसके चक्कर में क्या हो गया ना, मुझे लगती है ईचिंग हो जाती है, शिमला मिर्च मेरे हाथ ना, पता है यही वो हाथ हैं, यही वो हाथ हैं। ओ शिट, इसी बीच में ना मेरी खीरा मेरे हाथ से गिर गया, आ जा ऊपर आ जा। तो पता है मेरे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं कभी भी अपने हाथों से मिर्ची नहीं कट कर सकती। अगर मैंने बाई मिस्टेक भी अगर मिर्च कट कर ली, मुझे लग जाएगी मिर्च, हाँ फिर मेरी अगर गलती से मुँह पर लग गई तो दिन भर में मतलब बहुत मुझे मिर्ची लग जाती है। तो मैं शिमला मिर्च, मूली और मिर्च और अरबी, इन सब चीज़ों को तो काटने की सोच भी नहीं सकती हाथों से। अरबी को तो मैं मोस्टली ग्लव्स पहन के कट करती हूँ, बट मैंने जब अरबी के पत्ते कट कर रही थी, मैंने कहा थोड़े से तो कट करने हैं, काट लेती हूँ, लगते लगी जैसी खुजने लगी, फिर इतनी तेज की लगी, फिर मुझे घरेलू नुस्खा याद आया, वो नुस्खा था मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने फटाफट से सरसों का तेल लगाया, धीरे धीरे अभी वो मिर्च खत्म हो गई है, सॉरी खुजली खत्म हो गई है, वरना इचिंग बहुत बुरी होती है। तो मैं थोड़ी देर अभी यहाँ पर हवा का, खुले आसमान का, आसमान दिख रहा है, खुले आसमान का, हरे हरे पेड़ पौधों का आनंद लेती हूँ, फिर जाऊंगी अंदर। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, तो अब टाइम हो चुका है भुट्टे का, यार गांव में यही तो है, मक्का लगाइए तो भुट्टे तो खाने बनते हैं ना, तो मैं भुट्टा खाऊंगी भुट्टा। तो ये रहा मेरा आज का डिनर, जिसमें है रोटियां, इतना सारा घी कौन लगाता है, माता श्री मोटा कर देना, वैसे बहुत सारा थायराइड निकला है मुझे। और इसमें है दही, ये है साथ में आलू शिमला मिर्च की सब्जी, जिसे खाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बनाई किसी स्पेशल इंसान ने। और ये है आलू की भुजिया, ये है साथ में मिक्स सब्जी, इसमें बहुत सारी हरी सब्जियाँ डाल के ये बनाई हुई है। ये है हमारे आज का डिनर, बहुत अच्छा है क्योंकि मैं सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खाती हूँ, चाहे मैं एक रोटी कम खा लूँगी ना, पर सब्जी में अगर कोई कहे कि सब्जी ज़्यादा है बच गई तो मैं रोटी हटा देती हूँ, बट मैं सब्जी ले लेती हूँ, और हरी सब्जी हो स्पेशली, अगर मैं इसमें आलू हटाने को कोई बोले हटा सकती हूँ, बट ग्रीन वेजिटेबल चाहे वो टेस्ट बना हो ना हो, मैं हरी सब्जी बहुत खा रही हूँ। साथ में सलाद भी है, बट मैंने सलाद थोड़ा कम लिया, मैं ऑलरेडी खाना बनने से पहले मतलब जब मैं बन रहा था सब्जी, उससे पहले ही मैंने खीरा वगैरह खाया हुआ था इसीलिए। तो ये रहा मेरा आज का खाना, अब मैं खाती हूँ, इन्जॉय करती हूँ। डिनर मेरा हो चुका है जैसे कि आपको मैंने दिखाया, और अभी ना अभी जो है मैं जा रही हूँ, दूध पीऊँगी और दवाई खाऊँगी,
उसके बाद मैं आराम करूँगी। आप पीछे मम्मी को देख सकते हो, शाम को सफाई चल रही है, खाना खाने के बाद की जो सफाई होती है वो कर रही है। तो मैं दूध पीकर फिर मैं सो जाऊंगी, ऐसे भी थकी हुई हूँ। कल मेरा बहुत 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 सारा काम है, परसों से मैं बिजी हो जाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं कल बहुत सारा काम निपटाने की सोच रही हूँ। उसके बाद जो है दूध पीती हूँ, है हाँ दूध दो भी दोगे, दूध पी के सीधे सो जाऊंगी। वैसे मैं नहीं जा रही घूमने, देखती हूँ फिर। तो अभी मैं मम्मी और चाची के साथ थोड़ा घूम के आ जाती हूँ, फिर सो जाऊंगी। चलो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, पता नहीं वैसे भी ना भूख नहीं लग रही आजकल, पता नहीं क्या हुई। या फिर भर्जी की याद आ रही है? भर्जी की याद तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब याद तो अलग बात है ना, बट भूख इससे शायद नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे वहाँ हमारे मेरे ससुराल में खाना खाने की टाइमिंग बहुत अलग है, यहाँ की टाइमिंग बहुत अलग है। यहाँ मॉर्निंग में 8 बजे नाश्ता बन जाता है, बन के हम लोग खा लेते हैं, और वहाँ पे नाश्ता 10 बजे के अराउंड होता था। हम तो ये शायद इस टाइमिंग की वजह से मैच नहीं हो पा रही है, बट जो भी है धीरे धीरे यहाँ की हैबिट हो जाएगी। अभी तो मैं लंबा रुकूंगी, यहाँ का राशन पानी खा कर जाऊंगी। तो फिर गाइज आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप गाइज आप सभी को हमारा ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेस्ट पार्ट आज के व्लॉग का क्या था वो भी जरूर मेंशन करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।